हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का डिलीशियस ज्ञान रिंकूज रेसिपी में। दोस्तों, जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के सामने ले शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है दाल भड़ी गुजिया। दोस्तों, गुजिया का नाम सुनते ही हमारे मन में बहुत सारा तेल और हैवी मसाले और ड्राई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन आज जो गुजिया मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाली हूँ, वो मैं बिना तेल के स्टीम करके बनाऊंगी। दोस्तों, मैं शुरू से ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लेस ऑयल या फिर कम से कम तेल की इस्तेमाल करते हुए रेसिपी को लेकर आऊँ। तो इसी कड़ी में मैं आज दाल भड़ी गुजिया की रेसिपी लेकर आई हूँ बिना तेल का। तो चलिए बनाते हैं दाल भड़ी गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये एक कप चने का दाल जो 4 घंटा पहले मैंने अच्छे से धुल के भिंगो लिया है, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ जिसको चॉप करके रख लिया है, 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको भी चॉप करके रख लिया है, 5-6 हरी मिर्च जिसको चॉप करके रख लिया है, 20 से 25 कढ़ी पत्ते, तड़का लगाने के लिए 1/2 टीस्पून हींग स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों, गुजिया बनाने के लिए 1.5 कटोरी आटा बिना तेल बिना नमक का, ऐसे ही जैसे नॉर्मल चपाती के लिए लगाते हैं आटा, उस तरह का आटा लगा के मैंने 1.5 कटोरी आटा को गुजिया बनाने के लिए रख लिया है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में ये दाल डाल के इसमें 1/2 कटोरी पानी, थोड़ा सा नमक डाल के कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। गैस ऑन करके तेज फ्लेम पे 3 सीटी तक लगने दूंगी। आटा लगा के मैं 1 घंटा पहले रख दी थी नॉर्मल तरीके से, जैसे चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसे आटा लगा के मैं रख दी थी कि जब तक बॉइल्ड होगा, तड़का लगाएंगे तब तक मेरा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर मैं गुजिया बनाऊंगी। दोस्तों, दाल उबल चुका है। अब फ्राई पैन में 1 टीस्पून सरसों तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें 2 चुटकी जो बराबर हींग डालेंगे। अब इसमें कटे हुए लहसुन, ये लहसुन को थोड़ा भून के फिर इसमें जाएगा अदरक, हरी मिर्च, गैस का फ्लेम कम रखेंगे। ये दोस्तों अदरक लहसुन और हरी मिर्च हमारा भून चुका है। अब इसमें उबला हुआ दाल डाल देंगे। दाल को सुजला से दबा दबा करके भूनना है। गैस का फ्लेम नॉर्मल रख, बीच बीच में ऐसे प्लस दबा दबा के इसको अच्छे से भून लेना। इसमें आप 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। दोस्तों, ये चने की दाल को मैंने पहले से भिंगो के रख दिया था और इसमें 4 से 5 सीटी लगा दी प्रेशर कुकर में, और देखिए कितने अच्छे से ये मैश हो गया है। दाल दोस्तों थोड़ा हार्ड रहता है ना, तो उसको मिक्सी में हमको दरदरा पीसना पड़ता है। इसको ना पीसने का झंझट ना कुछ, कितने आसान तरीके से हमारा ये दाल का स्टफिंग तैयार हो गया है। अब इसको मैं गुजिया में भरूंगी। दोस्तों, जब तक गुजिया का स्टफिंग ठंडा होता है, गुजिया बना कर तैयार करूंगी, तब तक मैं स्टीम करने के लिए पानी डाल दे रही हूँ। 2 गिलास पानी, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के, ऑयल डालने से क्या होता है दोस्तों, गुजिया आपस में चिपकेगा नहीं स्टीम करने में। जब तक हमारा ये पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है, तब तक मैं गुजिया बना के तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों, हमारा ये दाल का स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब मैं आटा का इस तरह से गोली बना ली हूँ लोई। अब इसको ऐसे ऐसे गोल करके सूखा आटा लगा के इसको चकला बेलना की सहायता से बेलना है, बेल के इस तरह से बेलना है, बेल के फिर इसमें दाल का स्टफिंग करके गुजिया का कर देना है। दोस्तों, इसको ना रोटी के साइज का बनाना है, तो रोटी थोड़ा पतला है, इसको थोड़ा मोटा ही रखना है। अब इसमें इस तरह से दाल का जो हमने स्टफिंग तैयार किया था इसे भर के इसको गुजिया आकार का बना देना है।
इस तरह से दबा दबा के। अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा आटा लगा के इस तरह से बना के तैयार कर लेना। इस तरह का डिजाइन बना देने से गुजिया जैसे देखने में लगता है। इसी तरह से सारा लोइयों को मैं गुजिया बना के तैयार कर लूँगी, फिर चलूँगी गैस के पास स्टीम करने के लिए। कसे देना दोस्तों, ये गुजिया उबालने के लिए पानी मेरा गर्म हो गया है, उबल गया है पानी अच्छे से। अब इसमें मैं एक एक करके गुजिया डाल दूंगी। देखिए दोस्तों, ये जैसे बगैर तेल का ही लग रहा है, जैसे तेल में इसको हम तल रहे हैं, पूरा पानी में ही ऊपर तेल की तरह तैर रहा है। अब इसको मैं ढक के 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने दूंगी। Okay. 5 मिनट तक इसको ऐसे ढक के बॉईल करूंगी। 3 मिनट हो गया दोस्तों, चलिए चेक करते हैं एक बार गुजिया। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर मेरा गुजिया फूल के ऊपर आ गया है। अब इसको दूसरी तरफ से पलट कर हल्के हाथ से स्पैचुला की सहायता से पलटना है दोस्तों, नहीं तो इतना सॉफ्ट हो गया है कि फट के इसके अंदर का स्टफिंग जो है दाल बाहर आ जाएगा। पलट गया है दोस्तों, अब इसको ढक के ऐसे ही दूसरी तरफ से भी 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मेरा बॉइल्ड हो चुका है, अब मैं इसको झांझ की सहायता से निकाल दूंगी। तो दोस्तों, एक गुजिया मेरा उबल चुका है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक गुजिया ठंडी हो रही है तब तक गुजिया में खाने के लिए दही और पुदीने की चटनी बना लेती है। ऐसे तो आप मूंगफली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आज मैं दही पुदीने की चटनी बनाऊंगी, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो पहले बता दे रही दोस्तों। दही और पुदीने की चटनी के लिए मैं 8 से 10 चम्मच दही ले ली हूँ, 1 मुट्ठी पुदीने का पत्ता ले ली हूँ, 2 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 छोटी चम्मच नमक। तो चलिए चटनी बनाते हैं दही पुदीने की दाल भरी गुजिया के साथ खाने के लिए। सबसे पहले मिक्सर जार में पुदीने के पत्ते रख देंगे, इसके अंदर 2 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कलियाँ और ये 8 से 10 चम्मच दही है, दही डाल देंगे। और इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच नमक। जार का ढक्कन बंद करके अब इसको 2 सेकंड के लिए चलाऊंगी। दोस्तों, मेरा चटनी बनके तैयार हो गया है। ये गुजिया हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको मैं बीच से चाकू की सहायता से ऐसे कट कर लूंगी। दोस्तों, इस तरह से गुजिया को कट कर लिए हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है दोस्त, इसको आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हो। सुबह सुबह बच्चे को लंच बॉक्स में भी ये टिफिन बना के दोगे तो बड़े शौक से बड़े चाव से खाएंगे। हेल्दी भी है, झटपट बन भी जाती है, ना तेल ना मसाला कुछ नहीं, काफ़ी सेहतमंद गुजिया। तो चलिए दोस्तों, गुजिया के लिए तड़का तैयार करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके इसमें फ्राई पैन रख देंगे। वो फ्राई पैन मेरा गर्म हो गया है, इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालूँगी, इसमें थोड़ा सा पीला सरसों के पत्ते, ये कटे हुए गुजिया को फ्राई पैन में इस तरह से
रख दें। स्पून की सहायता से इसको पलट पलट लेंगे। नहीं तो इसका जो स्टफिंग है ना दाल वाला सारे बाहर आ जाए। इसको आराम आराम से करना है, इस तरीके से उलट पलट के दो मिनट के लिए सेक लेंगे। ये गुजिया का दोस्तों ये तड़का लगाने का ये मतलब है कि इसमें जो हम तड़का लगाए हैं इसका जो फ्लेवर है खूब अच्छे से गुजिया में इन्हेंस हो जाता है और ये गुजिया का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये गुजिया तो जस्ट बॉयल है तो इसमें थोड़ा सा तेल लेके और ये तड़का लगा दिया है तो देखने में भी सुंदर लगेगा। ये तड़का लगाने से इसका जो टेक्सचर है ना दोस्तों देखिए कितना अच्छा गुजिए के ऊपर आया है। देखिए अच्छे में थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के और गैस को बंद कर दूँ। ये हमारा गुजिया बन के तैयार हो गया है दोस्तों, गर्मा गर्म इसको परोसेंगे। ये दोस्तों चटनी के लिए मेरा तड़का तैयार है, चटनी में तड़का लगाऊँगी। दोस्तों ये दाल भड़ी गुजिया बनके तैयार है, इसको मैंने प्लेटिंग कर दिया है। इसको गार्निश धनिया पत्ता और कढ़ी पत्ते से गार्निश भी कर दिए हैं और ये बनके तैयार है खाने के लिए। आप भी बनाइए जिस तरीके से मैं बनाई हूँ, काफ़ी इजी है, हेल्दी है, बच्चे भी काफ़ी चाव से खाएंगे, बिना ऑयल का है तो आपने देखा ही है कि कितना कम इसमें ऑयल यूज की हूँ, तो काफ़ी हेल्दी फूड है आपके स्वास्थ्य के लिए।